राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की तकलीफ में भयानक बाढ़ ने बड़ा इजाफा किया है। जो चुनौतियां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने थी, वही नई पीएम शहबाज शरीफ को भी झेलना पड़ रहा है। वकीलों के एक सम्मेलन में बोलते हुए शहबाज शरीफ के मुल्क ने लाचार अर्थव्यवस्था की जिक्र किया और कहा कि मित्र देश भी यह सोचते हैं कि हम भिखारी हैं। उन्होंने कहा, आज जब हम किसी मित्र देश में जाते हैं या उन्हें फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। अपने संबोधन में शहबाज ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास का जिक्र भी हमें करना चाहिए। बाढ़ से आई तबाही के बारे में उन्होंने कहा कि बाढ़ से पहले भी अर्थव्यवस्था मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन आपदा ने इस बदतर हाल में पहुंचा दिया है हमें कि वो कहने के लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में जब वह प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पतन के कागार पर थे। शहबाज ने इमरान खान की नीति पीटीआई सरकार पर महंगाई को बढ़ाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने आईएमएफ के साथ समझौते की शर्त को उल्लंघन किया, जिससे मौजूदा सरकार के पास कड़ी शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान से छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश भी आज हमसे आगे निकल चुके हैं और आज हम 75 साल बाद भी भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। शहबाज ने कहा, मैं नाम लेकर कहता हूँ, अगर एक जमाने में हिंदुस्तान हमसे लोहे के मैदान में आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे भी आगे थे। हिंदुस्तान के रुपए की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले कम थी। ऐसे कई दोस्तों जिनकी जीडीपी हमसे कम थी, वो आज आसमानों से बातें करते हैं। पाकिस्तान के लिए कठिन होगी आने वाले सदियां। उन्होंने कहा कि आज 75 साल बाद पाकिस्तान कहां खड़ा है, ये एक चुभने वाला सवाल है। हमें हर वक्त एक गोले के घेरे में घूमते रहे हैं। पाक पीएम आने वाले सदियों में एक संभावित गैस संकट की चेतावनी देते हुए दावा किया है कि उन्होंने गैस की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शहबाज ने कहा कि बारिश और बाढ़ ने देश में ऐसी तबाही मचाई है जो दुनिया के किसी दूसरे कोनों में नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकॉलिंग नेशनल, न्यू दिल्ली।